नमस्ते बच्चों, आपके संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में विभक्ति अर्थ प्रकरण पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो आज हम विभक्ति अर्थ प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण पढ़ेंगे। कारक प्रकरण क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कारक प्रकरण को विभक्ति अर्थ प्रकरण भी कहते हैं, या विभक्ति अर्थ प्रकरण कारक प्रकरण का ही पर्याय है। विभक्ति से यहाँ सुबंतों का ग्रहण ही अभिष्ट है, अतः इस प्रकरण को सुबर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। सुबंत क्या होते हैं? सु औ जस अम और शस टाभ्याम भिस गेभ्याम भस घसीभ्याम भस घस औस आम गी ओ सुप। ये जो 21 प्रत्यय हैं इनको सुप प्रत्यय कहते हैं। तो ये सुबर्थ प्रकरण कहलाता है। कारक प्रकरण, कारक प्रकरण का ही अन्य नाम है, क्योंकि कारक जो लगते हैं वो सुबंतों में ही लगते हैं। कारक का अर्थ होता है क्रियाम करोति निवर्तयति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को सिद्ध करे, निष्पादित करे, उसे कारक कहते हैं। कारक की अन्य परिभाषा जो वैयाकरणों ने दी है वह है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया का जनक है वह कारक कहलाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 ही कारक कहलाते हैं। हिंदी में हमने अभी तक 8 कारक पढ़े हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 6 ही कारक माने गए हैं। संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना गया। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन 6ों की ही क्रिया की निष्पत्ति में सीधा सीधा संबंध होता है। क्योंकि कारक की परिभाषा है क्रियाजनक कारक, कारक कहलाता है, जो क्रिया को जन्म देने वाला हो वह कारक कहलाता है। संबंध और संबोधन का क्रिया के जनकत्व में कोई साक्षात संबंध नहीं होता है। जैसे देवदत्तस्य पुत्रोदीते, इसका अर्थ है देवदत्त का पुत्र पढ़ता है। अब पढ़ने रूपी क्रिया कर रहा है पुत्र, यहाँ देवदत्तस्य पुत्रः से केवल पुत्र के साथ देवदत्त का संबंध बताया गया है। जो क्रिया है पढ़ने रूपी क्रिया है वह केवल उसका पुत्र कर रहा है। तो क्रिया में साक्षात जो क्रिया को करने वाला है वह है पुत्र, और देवदत्तस्य जिसके अंदर षष्ठी विभक्ति है, जो संबंध है वहाँ पर उसका क्रिया से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो देवदत्त का अध्ययन की क्रिया में किसी प्रकार का साक्षात संबंध या योगदान नहीं होने से देवदत्तस्य में षष्ठी विभक्ति है और उसे कारक के अंदर नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार से हे देवदत्त, अत्र आगच्छ, हे देवदत्त यहाँ आओ। तो यहाँ पर यहाँ आने रूपी क्रिया तो यद्यपि देवदत्त के द्वारा की जा रही है, लेकिन हे यही यहाँ पर केवल संबोधन का वाचक है। तो संबोधन का वाचक हे, उसकी क्रिया में किसी प्रकार साक्षात संबंध नहीं है। क्रिया को करने वाला हे का, क्रिया को करने वाला जो देवदत्त है उसका हे से किसी प्रकार से कोई साक्षात संबंध नहीं है। संबोधन का बोधक यहाँ पर हे ही है, अतः संबोधन भी साक्षात संबंध क्रिया की निष्पत्ति में नहीं रखता है, इसलिए संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता है। अतएव कहा गया कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे चेत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान और अधिकरण, इन्हीं को ही 6 कारक माना गया है। आपके लिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी उपयोगी है कि कारक कितने होते हैं, उनकी संख्या बताइए। तो कारक 6 होते हैं और उनकी संख्या है 6।
उनकी कारक को की संख्या है 6। कारक प्रकरण में यद्यपि कारकों से भिन्न अन्य उपपद विभक्तियों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, लेकिन प्रधानता के कारण ही, क्योंकि कारक विभक्तियों का अधिक वर्णन किया गया है, इसलिए प्रधानता के कारण ही इस प्रकरण का नाम कारक प्रकरण रखा गया है। सामान्यतः हम पढ़ते हैं, प्रथमा विभक्ति कर्ता में होती है, द्वितीया विभक्ति कर्म में होती है, तृतीया विभक्ति करण में होती है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान में, पंचमी अपादान में और अधिकरण में होती है सप्तमी विभक्ति। ये सभी विभक्तियों के सामान्य नियम हैं, लेकिन कर्ता में कहीं कहीं तृतीया भी देखने को मिलती है, कहीं षष्ठी भी देखने को मिलती है और कर्म में कभी प्रथमा और षष्ठी दोनों दिखाई देती है। यह ऐसा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के भेद से होता है। ये इस विषय पर चर्चा आगे की जाएगी। कारक प्रकरण के अंदर द्वितीया तृतीया विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है आश्रय, पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है अवधि और चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है उद्देश्य। इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे कोई काम किसी उद्देश्य से किया जा रहा है, जैसे पढ़ने के लिए जाता है तो उसके जाने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना, तो उद्देश्य में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी। जैसा मैंने अभी अभी बताया, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है उद्देश्य, तो अध्ययनाय गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है अवधि, अवधि वह आज से और अगले 15 दिनों तक पढ़ेगा, तो अद्यतः अद्यः त आज से, तो अद्य तो यद्यपि अव्यय है, यहाँ पंचमी नहीं लग पाएगी, लेकिन 5 दिनों से, पांच दिनों से पढ़ रहा है, तो ये अवधि हो गई ना, तो यहाँ अवधि में लगेगी पंचमी विभक्ति। बाल मनोरमा नामक एक टीका लिखी गई है, उसमें हेतु को 7वां कारक भी माना गया है, यद्यपि ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में लघु सिद्धांत कौमुदी ही दी गई है और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक 6 ही होते हैं। अब एक बात जान लेते हैं इस सामान्य ज्ञान के लिए कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में कारकों का जो क्रम लिखा है वो क्रम क्या है। सबसे पहले उन्होंने अपादान के बारे में बताया, फिर संप्रदान के बारे में बताया, फिर करण के बारे में बताया, फिर अधिकरण, कर्म और कर्ता। अपादान, संप्रदान, अधिकरण, क्षमा कीजिएगा, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता, ये पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर कारकों का क्रम है। अपादान के लिए सूत्र लिखा हुआ है ध्रुवम पाए पादानम, संप्रदान का सूत्र है कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम, करण का है साधक तमम करणम, अधिकरण का आधारोधिकरणम, कर्म का कर्तुरिप्सितमम कर्म और कर्ता का स्वतंत्र कर्ता। चलिए हम अब कारक प्रकरण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ से मात्रे तक लेकर सप्तमी विभक्ति है और प्रथमा अलग से है। सूत्र का अर्थ है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, मात्र शब्द का योजन सभी के साथ किया जाएगा, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात इन 4 कारकों में प्रथमा विभक्ति होगी। पहली है प्रातिपदिकार्थ में, 1, दूसरी है लिंग की अधिकता में, तीसरी है परिमाण मात्र में और चौथा है वचन मात्र में। ये परीक्षा उपयोगी आपके लिए प्रश्न भी है कि प्रथमा विभक्ति किन किन में होती है। तो प्रातिपदिकार्थ का अर्थ समझ लेते हैं पहले, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, जो नियत रूप से उपस्थित होता है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। नियत रूप से उपस्थित होने का क्या अर्थ है, जैसे किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो नियम से हमें किसी न किसी अर्थ की उपस्थिति होती ही है हमारे मस्तिष्क में, तो जिस अर्थ की उपस्थिति होती है उसके लिए जो हमने शब्द उच्चारित किया है
वह है प्रातिपदिक अर्थ। इसमें किन किन को शामिल किया गया है? अव्यय को, जिसका कोई लिंग नहीं होता। अव्यय का कभी कोई लिंग नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको अद्य शब्द बताया था, अद्य शब्द का मतलब होता है आज, उसका कोई लिंग नहीं होता। उसे कहीं पर भी किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाए, चाहे भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, किसी प्रकार के वाक्य में प्रयोग किया जाए, अव्यय का कभी कोई लिंग नहीं होता है। फिर है कुछ शब्द होते हैं जो केवल एक ही लिंग में होते हैं, उन शब्द को ही प्रातिपदिक अर्थ कहा जाता है। जैसे उच्चई, निच्चई, ये है अव्यय। कृष्ण, ये हमेशा पुरलिंग में आएगा। श्री ही, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। और ज्ञानम, ये हमेशा नपुंसक लिंग में आएगा। तो ये जो निश्चित लिंग वाले शब्द होते हैं, इनको एक लिंग शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इनका लिंग निर्धारित है। इस प्रकार के शब्द, यानी इस संसार में जितने भी शब्द हैं जिनके निश्चित लिंग हैं, उनको प्रातिपदिक अर्थ कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई लिंग नहीं है, यानी वे अव्यय हैं, वे सभी प्रातिपदिक अर्थ कहलाते हैं, क्योंकि इन सब का उच्चारण करने के साथ ही इनके लिए एक निश्चित अर्थ की प्रतीति हमारे मस्तिष्क में होती है, तो ये प्रातिपदिक अर्थ कहलाते हैं। इन सबको प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसका तात्पर्य ये है कि आप कभी भी किसी शब्द का प्रयोग करो तो उसमें प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग करके हमें बोलनी है, तभी वह संस्कृत भाषा का शब्द कहलाएगा, अन्यथा वह सामान्य भाषा हो जाएगी। जैसे राम, संस्कृत में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, रामः कहने पर वह संस्कृत होगा। अगर हमको सामान्य राम शब्द का प्रयोग करना है तो हम रामः कहेंगे, तब वह प्रातिपदिक अर्थ कहलाएगा। अगला देखिए, लिंग मात्र। इसमें वे पद होंगे जिसका कोई भी सुनिश्चित लिंग नहीं होता है। जैसे तट शब्द, तट शब्द तीनों लिंगों में होता है। इसके तीन रूप संभव है, तटः पुरलिंग में, तटी स्त्रीलिंग में, और तटम नपुंसक लिंग में। कहने का मतलब, चाहे लिंग वाले शब्द हो अधिक लिंग, एक शब्द के एक से अधिक लिंग हो, एक शब्द के का निश्चित लिंग हो, या फिर कोई अलिंग वाला शब्द हो, उनमें सभी में केवल उच्चारण मात्र के लिए प्रथमा विभक्ति लगती ही है। परिमाण मात्र में, यानी मापक जो मापवाचक शब्द हैं, उनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रोणो व्रीही का मतलब है बाल्टी भर चावल। व्रीही का मतलब चावल और द्रोण का मतलब होता है बाल्टी। तो यहाँ पर परिमाणवाचक जो शब्द है द्रोण, उसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया प्रथमा। एक होता है खारी, ये 16 बाल्टी के बराबर माप होता है। एक होता है आढ़कम, ये एक बाल्टी का चौथा हिस्सा होता है। तो परिमाणवाचक शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वचन मात्र की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्यावाचक शब्द है, वचन का मतलब है संख्या, संख्यावाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसे मान लीजिए आपको एक बोलना है, तो संस्कृत में एक बोलने के लिए एकह का प्रयोग करना पड़ेगा। द्वौ, त्रयः, बहवः, इस प्रकार अगर आप उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह संस्कृत भाषा का शब्द नहीं कहलाएगा। इस प्रकार प्रथम जो सूत्र हमने पढ़ा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ में यानी अलिंग शब्दों में और निश्चित लिंग वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्र की अधिकता में, यानी जिसका कोई सुनिश्चित लिंग नहीं हो, उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्र में, यानी मापक जो मापवाचक शब्द हैं, उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और संख्यावाचक शब्दों में, जिसके लिए वचन मात्र का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, उनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।